हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद अदर चैनल। मैं आज आपके लिए फिर एक वोकैबुलरी का सेशन लेकर आ गया हूँ। चलिए, पहला वर्ड है हमारा आज का, सबसे पहला वर्ड है। आज एक्चुअली मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं माउस से आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेमिनल, सेमिनल का मतलब होता है लाभदायक, ठीक है। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स, फैराडेज लॉ इज द सेमिनल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। मतलब सेमिनल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपने कोई चीज पहले करी जिसका आपको बाद में दिखता है इफेक्ट। जैसे आपने एक पेड़ पौधा लगाया और वो बाद में जाके पेड़ बन गया और उसमें फल लग गया, तो वो सेमिनल हुआ। सेमिनल मतलब जिसका लाभ आपको ओवर द टाइम मिलता है। स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स, इसलिए कहता हूँ जब कोई वर्ड पढ़ा करो ना, तो वर्ड को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। यूसेज इसका क्या है, फैराडेज लॉ इज द सेमिनल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। फैराडे का जो लॉ है वो सेमिनल है केमिस्ट्री के फील्ड में, क्योंकि फैराडे ने जो जो रिसर्च करी थी वो बाद के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हुई थी, ठीक है। तो फैराडे के काफ़ी सारे लॉ हैं, जो साइंस के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो याद रखना, जब कोई स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स, अब जैसे होता क्या ना, पढ़ते वक्त तुम लोग गलती क्या करते हो, तुम लोग इतना याद कर लेते हो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग, अब लेटर डेवलपमेंट भूल जाते हो, तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक होती है। नेक्स्ट वर्ड है, आज मेरा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो मैं माउस से ही कर रहा हूँ इसको। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्लेजन। एम्ब्लेजन का मतलब है प्रशंसा करना, किसी चीज़ की प्रशंसा करना। तो कौन सी पीक्वेसली डिस्क्राइब और डिस्प्ले अ डिज़ाइन ऑन, ठीक है। माई क्राफ्टी सिस्टर इन लॉ वॉज एबल टू एम्ब्लेजन माई टी शर्ट विद अ ग्लिटरी मोनोग्राम। तो मतलब जैसे कोई डिज़ाइन बना देना, किसी की प्रशंसा कर देना, ठीक है। एम्ब्लेजन नाम से पता था, एम्ब्लेज हो रहा है, कुछ चमक रहा है। माई क्राफ्टी सिस्टर मतलब मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी साली है जो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक है, उसने मेरी टी शर्ट के ऊपर एक मोनोग्राम को डिज़ाइन कर दिया। नेक्स्ट, प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है प्रवृत्ति, आप कैसी प्रवृत्ति है आपकी, अ टेंडेंसी टू चूज और डू समथिंग रेगुलरली, एन इंक्लिनेशन और प्रीडिस्पोजिशन टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर थिंग। हिज प्रोक्लिविटी फॉर कुकिंग मेड हिम अ बिग हिट इन द होम ओनर्स एसोसिएशन। प्रोक्लिविटी का मतलब होता है जब आप कुछ ऐसी चीज करते हो जो आप मींस जो आपकी टेंडेंसी है करना, ठीक है। जैसे कुकिंग करना मेरी टेंडेंसी है, ठीक है। तो उसकी जो कुकिंग करने की टेंडेंसी थी, उसको होम ओनर एसोसिएशन में बहुत ज्यादा हिट हो गई। नेक्स्ट, रिपाइन। रिपाइन का मतलब होता है विलाप करना। फील और एक्सप्रेस डिसकंटेंट फ्रेट। The soldiers repine for their families when they are stationed overseas. The soldiers repine. Soldiers को जब overseas भेजा गया तो वो अपनी family के लिए रो रहे थे। Feel और express discontent, fret, ठीक है, विलाप करना मतलब होता है repine. Next word है spate. Spate का मतलब होता है झोंक, किसी चीज में झोंक देना। A large number of similar things or events appearing or occurring in quick succession. एक ही टाइम पे फटाफट कोई चीज होती जाना। A spate of words has been published on controversial topics. तो हमने एक साथ काफी सारे वर्ड झोंक दिए, काफी सारे वर्ड्स बता दिए, ठीक है, तो उसको स्पेट बोलते हैं। तो आई होप आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही डेली मैं 5 वर्ड लेके आता रहूंगा और आप लोग चेक करना कि आप लोग का कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, ठीक है। और भी वीडियोज में बनाऊंगा, मैथ्स की भी बनाऊंगा अभी थोड़े दिनों में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।